कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। राधे राधे आप सभी को। अभी हम शिवरात्रि के विषय में बात करना चाहेंगे। ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है और मैं निवेदन करूंगा आप सभी को, देखो मेरा पूरा ध्यान रहता है गृहस्थियों को, जो हम लोग सनातनी हैं उनको सनातनी उपाय मिले। ऊट पटांग उपाय करने से थोड़ी देर के लिए तुम्हारी समस्याएं कम हो सकती हैं, मिटेंगी तो नहीं, कम हो सकती हैं, आगे और नए रूप में वो अलग अलग प्रकार की समस्या अपने जीवन में आप ले आएंगे। तो अगर हम सनातनी हैं और सनातनी होकर अगर सनातनी समस्याओं का सनातनी उपाय ढूंढे तो ज्यादा लाभ होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग कई ऐसे उपाय भी मैं बताने वाला हूं, आप इसको सुने और पूरा सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। दो तीन विशेष चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रॉब्लम है विवाह में, प्रॉब्लम है धन संपत्ति में, प्रॉब्लम है गृहस्थ में, प्रॉब्लम है हम आगे बढ़ने में, इन सारी चीजों का जो समाधान है मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं। शिवरात्रि का भगवान भोलेनाथ ने शिव महापुराण में एक बात कही है, शिवरात्रि के दिन प्रत्येक मनुष्य को व्रत करना चाहिए, किसी को भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए शिवरात्रि के दिन। वृद्ध और बच्चे दो को छोड़कर, बीमार व्यक्ति कोई हो उनको भी छोड़ दे, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत करना चाहिए। और व्रत करने का लाभ क्या है? व्रत करने का ये लाभ है कि जो लोग पूरी साल शिव जी का पूजन करते हैं, अर्चन वंदन करते हैं, अगर वही व्यक्ति पूरी साल जिनसे व्रत नहीं हुआ या पूजन नहीं हुआ शिव जी का, अगर वो मात्र शिवरात्रि पर व्रत करें, पूजन करें, अभिषेक करें और अभिषेक करके जागरण करें, तो पूरी साल में जो फल मिलता है वो शिव पुराण की बात कर रहा हूं, शिव जी के मुख से कही हुई बात कर रहा हूं कि एक व्रत करने से, शिवरात्रि का व्रत और जागरण करने से उसे पूरी साल का फल मिल जाता है, ये भगवान शंकर ने कहा। तो कितना बड़ी अच्छी बात है कि हम सबको शंकर भगवान की इस आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमको व्रत करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा क्या करें जिससे शिव जी प्रसन्न हो? तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, चार पहर में चार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उनका पूजन करें, उनका पूजन करें, अभिषेक करें और अभिषेक कर उनके ऊपर काले तिल अवश्य चढ़ाएं, केसर मिश्रित दूध अवश्य उनसे अभिषेक करें। केसर मिश्रित दूध का लाभ ये होगा कि जिनके विवाह में विलंब हो रहा है उनका विवाह शीघ्र होगा। प्रॉब्लम्स का समाधान है शिवरात्रि का व्रत। कैसे करें यह समझना है, बस चारों पहरों में चार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उनका अभिषेक करें, काले तिल चढ़ाएं, जो भी चढ़ाएं हो सके तो अक्षत चढ़ाएं। अक्षत मींस जो क्षतिग्रस्त ना हो, जो टूटे हुए ना हो। कई लोग टूटे हुए चावल चढ़ा देते, टूटे हुए चावल नहीं, जो पूर्ण चावल हो उन अक्षत को, जिसका नाम ही जो टूटा ना हो, अक्षत है मीन्स अक्षत, टूटा हुआ ना हो वो चावल उन पे चढ़ा दे। शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे अथवा आपके घर में जो पूजन आप करेंगे उस पे जौ चढ़ा दें। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में समृद्धि मिलती है। जो कहते हैं ना, मैं बिजनेस नहीं हो रहा, हमारे ये नहीं हो रहा, उसमें उसकी वृद्धि होती है। दूध और केसर मिश्रित, जब हम केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करते हैं तो उससे विवाह अतिशीघ्र होता है। अक्षत चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से हमारे भाग्य में उदय होती है, लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। शिवरात्रि विशेषतः बहुत ही सिद्धि प्रदायक रात्रि, जैसे शिवरात्रि हुई, होलिका की रात्रि हुई और विशेष कुछ रात्रियां हैं। इन रात्रियों में जो मनुष्य कुछ विशेष करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, इसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जागरण कर सके, चारों पहर की पूजा कर सके, शिव जी पे बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, अक्षत अवश्य चढ़ाएं, दूध से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और संभव हो पार्थिव शिवलिंग चारों पैरों में आप लोग बनाएं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं 99% आपकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन शर्त एक ही, विश्वास के साथ ये कार्य करें। तो शिवरात्रि से पहले ये वीडियो देख लें, अपने रिश्तेदारों को दिखा दें, जिन जिन लोगों की समस्या को आप मिटाना चाहते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोगों की लाइफ में है, तो इस
शिवरात्रि पर्व कई समस्याओं का समाधान हम लोग इस व्रत के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक ये वीडियो पहुंचा दे, जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। सनातनी प्रॉब्लम, सनातनी समाधान। राधे राधे।